नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीटीपी इन्वेस्टमेंट में। और आज की सीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों IDFC ट्विंस, IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड के ऊपर। दोस्तों वहां पे बहुत ही जबरदस्त उथल पाथल हो रही है दोस्तों, स्टॉक नए हाई बना रहे हैं दोस्तों। IDFC फर्स्ट बैंक में बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आ गया है दोस्तों, और IDFC लिमिटेड तो दोस्तों कब से रुकने का नाम नहीं रहा है। और वो अब दोस्तों इम्पोर्टेंट लेवल जो IDFC है वो इम्पोर्टेंट लेवल 100 का लेवल क्रॉस करने के मूड में है दोस्तों। और अब देखेंगे कि आज उसी लेवल को टच करते हुए नीचे आया है दोस्तों। अगर पिछले 5 दिनों की अगर बात की जाए कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 का लेवल एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। कैसे क्यों इम्पोर्टेंट है इस लेवल, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। पिछले 1 महीने के कारोबार की बात की जाए तो 8.71% का अपसाइड मोमेंटम है, और 6 मंथ के अंदर दोस्तों 18.81% का मोमेंटम है। 1 साल के अंदर दोस्तों 98.69 का दोस्तों रिटर्न है, क्योंकि 50 रुपए के आसपास हमने बहुत बार डिस्कस किया था जब बड़ा ब्रेकआउट आया था, और उसके बाद कंटिन्यूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 5 सालों में दोस्तों जो तेजी अभी बनी है वही बनी हुई है, और लॉन्ग टर्म के अंदर 183% का रिटर्न है। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि क्यों IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड भाग रहे हैं। पहले तो ये चीज समझ लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न IDFC लिमिटेड का डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम दोस्तों पूरा एनालिसिस करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक का। FII आप देखोगे तो 20.42% का होल्डिंग है, DII की बात करें तो 20.48। अब देखिए म्यूचुअल फंड जो है वो 7 पॉइंट सितंबर 2021 से कंटिन्यूअस इस स्टॉक को बाय कर रहा है दोस्तों। म्यूचुअल फंड का लगातार बाय है, FII भी दोस्तों अच्छे खासे लेवल होल्ड कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास 16.45% का होल्डिंग है, पब्लिक के पास 42.65% का होल्डिंग है दोस्तों। अगर यहाँ पे बात करें IDFC फर्स्ट बैंक के IDFC के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर, तो सेल्स में देखेंगे दोस्तों जबरदस्त ग्रोथ आया है दोस्तों, रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, ईयर टू ईयर में भी दोस्तों जबरदस्त ग्रोथ आया है, और अदर इनकम तो जबरदस्त अपसाइड मोमेंटम आई, और उसी की वजह से दोस्तों स्टॉक में पूरा रीरेटिंग हो गया है। अब चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे हम कि IDFC जो है वो 100 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए हो सकता है, और नीचे से काफी बहुत अच्छा खासा दोस्तों अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। RSI ओवरबोर्ड जोन में है, पॉसिबल है यहाँ पे 1-2-3 दिन रुक जाए, और उसके बाद जब 100 का लेवल क्रॉस करता है तब एक बड़ी और तेजी बन सकती है दोस्तों। क्यों बनेगी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, उसके पहले हम देखेंगे IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक 71.95 का प्राइस है, पिछले वीक डिस्कस किया था जब 67 का प्राइस था, बताया था कि दोस्तों ये 70 का लेवल क्रॉस करेगा फिर नए लेवल दिखेंगे, और पिछले 5 दिनों के अंदर आप देखेंगे तो 8% से भी ज्यादा का रिटर्न आ गया है, तो सबको अच्छा है। रीजन था दोस्तों रिजल्ट अच्छा था, मोर ओवर दोस्तों 1 मंथ के अंदर भी अच्छा रिटर्न यहाँ पे दिखाया, और 6 मंथ के अंदर ये स्टॉक ने भी 22% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर यहाँ पे आप बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो दोस्तों प्रमोटर खुद अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 39.99% का होल्डिंग है, जो 36.38% का होल्डिंग था, तो प्रमोटर ही बाय कर रहे हैं, तो दोस्तों और किसी को बाय करने की क्या जरूरत है। और सामने दोस्तों पब्लिक के शेयर होल्डिंग कम हो रहे हैं दोस्तों, FII कम कर रहा है, DII कर रहा है, क्योंकि खुद प्रमोटर अपने बैंक को बाय कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा गेम चेंजर माना जाएगा। अगर यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर बात करें तो दोस्तों रिजल्ट बेहतरीन था दोस्तों, क्वार्टर टू क्वार्टर में आप देखेंगे नेट प्रॉफिट जो है 617 से बढ़ के 816 था, तो बहुत ही अच्छा अपसाइड मोमेंटम है। क्रेडिट साइकिल दोस्तों पॉजिटिव बैंकिंग में, और ईयर टू ईयर में तो दोस्तों जबरदस्त मुनाफा दिया था दोस्तों बैंक ने, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा का दोस्तों प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया था। अगर यहाँ पे भी चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे तो दोस्तों यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो देखो जो मार्च 2021 का था, और उस रेजिस्टेंस को दोस्तों तोड़ दिया है। ये रेजिस्टेंस जैसे ही टूटा है वैसे ही दोस्तों स्टॉक में अप ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों। आज भी नीचे गैप डाउन आया, बट एक अच्छा कैंडल पुलिस कैंडल बनाया हुआ है, और अब दोस्तों जो ये है अब हमारे लिए जो है 69 और 70 का, हम दोस्तों 68 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे, और यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम डाल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आगे अपसाइड मोमेंटम बन सकती है। RSI ओवरबोट जोन में है, तो यहाँ पे दोस्तों ओवरबोट जोन में होता है तो एक थोड़ा करेक्शन आता है, बट वो हेल्दी करेक्शन रहेगा, तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखनी है, जो हम दोस्तों 35-36 के यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो बैंकिंग साइकिल जो है क्रेडिट साइकिल वो पॉजिटिव हो रही है, उसकी वजह से दोस्तों पूरे बैंकिंग सेक्टर में अच्छा मोमेंटम है। अगर निफ्टी प्राइवेट बैंक का अगर आप इंडेक्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दोस्तों सारे बैंकिंग स्टॉक प्राइवेट सेक्टर के नए हाई के ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो इसने अभी हाई तोड़ा है 52 वीक का, तो और अच्छे मोमेंटम दिखा सकता है दोस्तों। अगर ये स्टॉक में बड़ा तेजी तब बनेगा जब दोस्तों ये जो न्यूज है IDFC फर्स्ट बैंक शेयर्स एंड IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC वो दोस्तों कंप्लीट कर लेंगे मर्जर,
बाय मार्च एंड, तो उसकी वजह से जो होने वाला है दोस्तों, जो एक अच्छा तूफानी तेजी आने वाले टाइम में बन सकते हैं दोस्तों, तो आपको इस चीज के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और ये जो दोस्तों मर्जर होगा तो फिर और अच्छा दोस्तों बैंक ग्रो कर सकती है। तो आपको IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक, जहाँ पे दोस्तों फंडामेंटल से चेंजेस आए, टेक्निकली भी हमें सपोर्ट कर रहा है, तो ये दोनों स्टॉक के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। फिलहाल अभी ओवरबोट जोन में है, बट दोस्तों बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी यहाँ पे आप रख सकते हैं। अगर आपको भी ये स्ट्रेटेजी का सहमत है तो आप मुझे कमेंट कर से जरूर से बताइए दोस्तों। और अगर आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना हो और आपको दोस्तों फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना हो, तो आप एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहां पर भी बहुत ही बेहतरीन दोस्तों रिसर्च कॉल दिए जाते हैं। अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्ज नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं है। फर्स्ट मंथ का ब्रोकरिंग फ्री है और 1 साल का EMC भी फ्री है दोस्तों। और इस वीडियो का एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।